तांत्रिक का खौफनाक कांड, सेक्स, तंत्र मंत्र और खूनी खेल, जघन्य और बर्बर दोहरा हत्याकांड, शादीशुदा प्रेमी, अवैध संबंध और तांत्रिक की कातिल साजिश, दिल दहला देने वाला डबल मर्डर कांड, जिसकी खौफनाक कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। राजस्थान का उदयपुर दो दिन से खबरों में बना हुआ है। पहले एक घर में 6 लाशें मिली और अब जंगल में प्रेमी प्रेमिका का शव। दोनों के जिस्म लहूलुहान थे, दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। असल में इस डबल मर्डर कहानी का ताल्लुक तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से था। इस केस की पटकथा में टोना टोटका भी शामिल था। इसे इत्तफाक कहें या कुछ और, एक घर से 6 लोगों की लाश मिलने के बाद अब डबल मर्डर की घटना गोगुंदा थाना इलाके में हुई। पुलिस अभी पहला केस सुलझा ही रही थी कि जंगल में सड़क से कुछ ही दूर 2 लाशें पड़ी हुई मिली। 18 नवंबर 2022 यह वो तारीख थी जब इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देना शुरू किया गया। पुलिस को सूचना मिली कि जंगल में सड़क से कुछ ही दूर एक पुरुष और एक महिला का शव लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ है। जिस्म के साथ दोनों के प्राइवेट पार्ट्स भी बुरी तरह जख्मी थे। ये खबर पूरे उदयपुर में आग की तरह फैल गई। आनन फानन में पुलिस टीम मौकाए वारदात पर पहुंची। इस वारदात के बाद ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। दोनों लाशों की हालत और मौकाए वारदात के हालात देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि इन दोनों का कत्ल किया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि पुरुष आदिवासी समुदाय से था जबकि महिला राजपूत समाज से थी। छानबीन की गई कि कोई आइडेंटिफिकेशन मांग के कुछ ऐसा मिल जाए, तो एक एप्पल का फ़ोन मिला। फ़ोन को ऑन करने के पश्चात पता चला कि वो फ़ोन जो है मृतक राहुल मीणा का है। इससे उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ, प्राइम एफ से एक आइडेंटिफिकेशन हुआ। मृतक का भी घर से और उसके घर से लोगों को बुलवाया गया, उन्होंने शिनाख्ती की, इस पर मुकदमा दर्ज किया गया उनकी रिपोर्ट। अब पुलिस को कातिल की तलाश थी। पूछताछ में पुलिस को हैरान करने वाली बात पता चली। मरने वाले राहुल और सोनू दोनों ही शादीशुदा थे, मगर इन दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। वारदात के बाद अलग अलग पुलिस टीमें जांच में जुट गई और पुलिस ने महज 72 घंटे के अंदर सनसनीखेज और खौफनाक हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक शातिर तांत्रिक को गिरफ्तार किया, जिसने पूरी वारदात की खौफनाक कहानी बयां कर दी। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये कोई और नहीं बल्कि कातिल तांत्रिक है, जिसका नाम है भालेश कुमार जोशी। तांत्रिक से सख्त पूछताछ की गई और ऐसी कहानी सामने आई जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। तांत्रिक पिछले कई सालों से ताबीज बनाने का काम करता था और मंदिर में लोगों के कष्ट निवारण का दावा करता था। इस मंदिर में ही राहुल मीणा और सोनू कंवर की मुलाकात हुई। मुलाकात दोस्ती में बदली और जल्द ही दोस्ती अवैध संबंधों में बदल गई। सोनू से अफेयर हो जाने के बाद राहुल अपनी पत्नी से दूर रहने लगा था और आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। राहुल की पत्नी इस बीच मदद मांगने के लिए तांत्रिक भालेश के पास पहुंची। महिला इससे पहले कुछ बता पाती, तांत्रिक ने ही अवैध संबंधों की जानकारी दे डाली। इसके बाद तांत्रिक ने जाल बुना और राहुल की पत्नी को सबसे पहले अपने विश्वास में लिया। तांत्रिक की नजर अब सोनू पर थी, जो राहुल के साथ अवैध संबंधों में थी। तांत्रिक ने नजदीकियां बढ़ाना शुरू किया, लेकिन राहुल सब कुछ जान चुका था। राहुल ने तांत्रिक को बदनाम करने की धमकी दी। धमकी से भालेश डर गया, लेकिन उसने एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तांत्रिक ने राहुल और प्रेमिका सोनू को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाया और बाजार से जाकर फेविक्विक के 50 पाउच खरीदे और उन्हें एक बोतल में भर लिया। दरअसल फेविक्विक का इस्तेमाल ताबीज बनाने के लिए पहले भी तांत्रिक भालेश करता रहता था, इसलिए दुकानदार को भी उस पर शक नहीं हुआ।
अब प्लान को अंजाम देने का वक्त आ चुका था। तांत्रिक ने शादीशुदा प्रेमी जोड़े को टोटके के बहाने फोन किया और फिर जंगल बुलाया। तांत्रिक ने कहा कि अगर तुम एक होना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाओ। अनुष्ठान के नाम पर तांत्रिक ने दोनों को जंगल में शारीरिक संबंध बनाने को कहा। अचानक तांत्रिक ने बोतल में भरा फेविक्विक उन दोनों पर डाल दिया। इससे पहले कि राहुल और सोनू कुछ समझ पाते, वो दोनों एक दूसरे से बुरी तरह चिपक गए। दोनों ने अलग होने की कोशिश की, लेकिन उनके जिस्म की खाल उखड़ गई। इस बीच तांत्रिक ने चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया। दोनों के प्राइवेट पार्ट्स पर एक के बाद एक उसने कई वार किए और उन्हीं पत्थरों से बुरी तरह उसे कुचल दिया। दोहरे हत्याकांड के बाद तांत्रिक भाग निकला। 3 दिन बाद पुलिस ने शादीशुदा प्रेमी जोड़े की लाश जंगल से बरामद की। तफ्तीश में जुड़ी पुलिस ने 50 सीसीटीवी फुटेज खंगाली और 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। सुराग और सबूत मिलते गए और पुलिस ने हत्यारे तांत्रिक भालेश कुमार जोशी को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज से जो हमारे पास फुटेज आई तो उसमें एक व्यक्ति मृतक मृतका के साथ जंगल की तरफ जाते हुए दिखा। तो कोई नॉन पर्सन था, तो कॉमनैलिटी से जो नॉन पर्सन है वो सारे बात हमने मुर्गी अरेस्ट किया। उसका नाम है भालेश जोशी, 52 वर्षीय व्यक्ति है और ये गोगुंदा एरिया में भोपा जी का काम करता है। तो ये थी सेक्स तंत्र मंत्र और खूनी खेल की पूरी कहानी। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।